समझिए आप आपको जो है लिखित में दीजिए। आप आपकी मंडल कार्यालय से है, हमको अनपढ़ नहीं है, आप ब्रोकर नहीं है, समझे ना। हम अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में नहीं बोल रहे। आप ही ब्रोकर कौन कहता आप रजिस्ट्री ऑफिस आए। आप पूर्णिया जिले के केनगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि शनिवार की दोपहर करीब 11:30 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ लोग चकपरोड़ा वार्ड संख्या 5 भूमि का सत्यापन कराने हुए आए हुए थे। जब वह गाड़ी लगाकर कुछ लोगों से पूछताछ कर रहे थे, उसी क्रम में मोहम्मद मोइन वहां आया और रजिस्ट्रार ऑफिस से आए पदाधिकारी से पूछा कि कौन जमीन का जांच करने आए हैं। इतना बोल ही रहे थे कि पीछे से मोहम्मद अली हसन, मोहम्मद नूर आलम गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया और खींचकर अपने दरवाजे पर ले कर गया और वहां मारपीट की। वहां पर पहले से मौजूद मोहम्मद मारूफ हसन उर्फ लालू और मरगूब हसन, मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद जफर उर्फ लालू, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सोहेल एवं मोहम्मद इफ्तिकार आलम आदि लोगों ने हरवे हथियार, रड डंडा, चाकू, छुरा, ईंट एवं पत्थर से मारपीट किया। इस मारपीट में मुझे एवं मेरी पुतहू व बेटे को गंभीर चोटें आई है। इस मामले को लेकर केनगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार पीड़ित ने लगाई है। साथ ही द्वितीय पक्ष मोहम्मद अली हसन ने बताया कि मेरे घर में फंक्शन चल रहा था, इसी कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी से जमीन खरीदने को लेकर निबंधन कार्यालय पूर्णिया में आवेदन दिया गया था, जिसकी जांच को लेकर जिला निबंधन कार्यालय से पदाधिकारी गण आए हुए थे, जिस पर मोहम्मद मोहिउद्दीन उस जमीन का बिक्री नहीं करने को लेकर विवाद करते हुए हम लोगों से मारपीट करने लगा, जिसमें रड से हमले में मेरे भतीजे का हाथ टूट गया, जिसका सदर अस्पताल पूर्णिया में इलाज चल रहा है। बहरहाल दोनों पक्ष अपना अपना तर्क दे रहे हैं, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या हुआ है, कैसे हुआ मारपीट? देखिए, हम आज घर में थे, अपना कागज पत्र काम धंधा कर रहे थे, इसी मुझे खबर मिला कि भैया का आगे जमीन है, खाता 258 का जमीन, उस जमीन के पास क्या कहते हैं कि इंक्वायरी आया है। गाड़ी फोर व्हीलर मेरे भैया के गेट के आगे लगा हुआ था, जमाल भैया के गेट के आगे, और वो जो है स्टाफ जो वो इंक्वायरी करके प्लॉट में इंक्वायरी कर रहा था, उधर से आया। हम उसको बोले कि सर कहाँ आए थे, बोला कि इंक्वायरी आए थे। हम बोले किसका इंक्वायरी, तो बोला कि जमीन का इंक्वायरी आए थे। किस कौन सा ज़मीन का, तो यही ज़मीन का कहा। तो सर बोले कि क्यों सर इंक्वायरी कर रहे हैं, बोला कि ज़मीन ले रहा है। हम कौन ले रहा है तो पता कीजिए कौन ले रहा है। हम बोले सर बोलिए ना कौन ले रहा है, तो ना पहले अपना नाम मोबाइल नंबर दीजिए, उसके बाद तो हम आपको कल फिर कॉल करके तब बुलाएंगे। हम बोले मोबाइल नंबर कॉल हम क्यों दें, नाम क्यों दें। तो वो बोला कि कासिम और डोमा वही ज़मीन बेच रहा है। हाँ, हम लोग किसके पास बेच रहा है, तो अली हसन के पास बेच रहा है। अली हसन और नूर आलम उसका दोनों बेटा, उसका नाती, वो प्रजेंट हमारा भैया के गेट पर के सामने जो गाड़ी लगी है वहाँ पर प्रजेंट वो खड़ा है। हम उससे बात कर रहे हैं, वो पदाधिकारी से, वो जो मेरे वीडियो भी है, और उससे बात कर रहे हैं। तो हम उसको बोले देखिए सर उस ज़मीन को बारे में हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो डोमा उर्फ कासिम उर्फ डोमा ही लिखवा रहा, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ज़मीन पहले फ्रंट से आगे लिखवा लिया है 2 डिसमिल ज़मीन, वो तो हम लोग खानदानी ज़मीन था, दियादी ज़मीन था, किसी को आगे से नहीं लिखाना चाहिए, वो तो गलती क्या लिखा कर। यही बात बोले थे अलीसान डीलर उधर पीछे में, उसका प्रशासन के पदाधिकारी पीछे में बोलता मादस को मारो, अलीसान अली हसन और नूर आलम और क्या कहते हैं कि और क्या कहते हैं कि उसका बेटा मारूफ हसन मरगूब हसन और क्या कहते हैं कि उसका दो गो नाती है, नाम क्या नाती का नाती है, सोहेल राज और पिंकू, ये है। बड़ी बुरी तरीके से हमको अंदर अंदर मारा, मेरे घर में कोई नहीं था, उसके गेट के सामने मारा, सारा जनता देखा, टोटल आदमी देखा हमें मारते हुए, बुरी तरह से वो सुता के मारा, फाइट मुक्का। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसका दामाद जो है इसराइल नाम है, जो सब उत्तर करने वाला है, वो वहाँ से आया फंड से के वो हाथ पकड़ के मुझको मारने लगा, वो भी मारने लगा। उसके बाद एक और क्या कहते हैं सही यहाँ का दामाद है सधवेली का, क्या नाम उसका है मालूम, लालू है, वो भी मुझे मारने लगा। उसके बाद किसी तरह से हमको उस जगह औरत से हमको बचाया, तब तक मेरी बीवी आया और कोई नहीं है, हमको बचा के ले गया। उसके बाद दोबारा पे कहते हैं कि उसके दोबारा उसके बाद उन लोगों का
चढ़ के वो लोग ईटा पत्थर से हम लोगों को ईटा से बुरी तरह से मार के घायल किया है, जिसमें हमारा भाभी मेरा क्या कहते हैं कि पुताओ को भी पैर में चोट है और हमको हाथ में चोट है, घुटना मारा है, मेरे पेट में मारा है। और इसी में चाकू छत पर से जो फेंका है अनिशान डीलर, वो चाकू हमारा एक बेटा का जो नाम है ताजी महाराजा, ये चाकू जो है, ये चाकू वहाँ जो फेंका, ये चाकू इसको बचते बचते हाथ घायल थोड़ा कर दिया, ये चाकू अनिशान डीलर वहाँ छत पर से फेंका है, ये छत पर से फेंका है। विवाद किस चीज़ का? विवाद वही खाता 258 खजरा खेसरा 3230 3032 हजार नवासी 3230 और रकबा 2 डिसमिल जमीन। किसका है ये? ये जमीन हमारा उस जगह 8 डिसमिल का मतलब कि एरिया है, उसमें से जो सीयर उसका बनेगा वो अपना नहीं लिखाया है, सिरमान से। और क्या कहते हैं कि बौकाई बेटा कहता है कि कासिम उर्फ मित्तन से वो 2 डिसमिल जमीन लिखवा लिया आगे फरौन से, और क्या कहते हैं कि नजाम उर्फ छित्तन से, उसी लेके विवाद था। उसी लेके गए थे आज जांच, जांच में जो गए थे दूसरे जमीन का जांच में गए थे हम, वही पूछे सर वो बोला कि हम निमंडन कार्यालय राष्ट्रीय ऑफिस से आए हैं जांच में हम, हाँ हम उसी से बात कर रहे थे, हम उससे और किसी बात नहीं करे। आप कहाँ आए? हम वहाँ से हमको किसी तरह उठा घर से लाया अभी के नगर स्वास्थ्य केंद्र यहाँ इलाज के लिए। खाना हम मैंने जिस समय घटना घटी उसी समय थाना पे फ़ोन किए बराबू का नंबर पर, सरकारी नंबर पर, उन्होंने कहा कि हम भेज रहे हैं और गश्ती जब आया तो गार्ड उसी के दरवाजे पर गया और वो लोग वहाँ क्या क्या कहा मेरी बात को नहीं सुने और वो हमी पर टपक गया, बोला कि आप लोग को जो केस करना था केस कीजिए, आप भी काउंटर केस कीजिए। हम उसके बाद थाने पर हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए, अब यहाँ से हम जाएँगे। क्या मांग? हमारी मांग ये है कि वो लोग की मनसा गलत था कि खास करके हमारे ऊपर कि ये जो है सब भाई से थोड़ा सा दिमाग में इसको सब कुछ तेज रहता है, जानकारी है जमीन जगह मैटर में, इसको जो है ना इसको जान से मार के हत्या कर दो, यही उसका मनसा था अलीसन डीलर और नूर आलम का, उसका 2 बेटा जो मरगुबसन मारगुबसन। चाहते क्या? हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ चाहिए और प्रशासन से हम कहेंगे कि जाँचों क्रम में करके उस पर कार्रवाई करें कि किस को जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें। मेरा नाम मोहम्मद मैनुद्दीन, मेरा घर चक पड़ोरा पंचायत गणेशपुर वार्ड नंबर 5। भाई भी कोई इंसान? कैसे टूटा हाथ? मारा गया है इसमें। कौन मारा था? मोइन था, मोइन का भाई कमाल था, उसका बाल बच्चा सब था, उसका बेटा था मोनू जो मोटा रड लेके था, और मोइन था, मोइन बोला कि मारो ये लोग ज़्यादा काबिल, और हम पिछले वाला भी केस जो हम किए थे ना तो पिछले बार भी मारपीट किया था तो उसमें हम गवाह, उस गवाह के तौर पर वो हम पे इस बार सोचा हमला कर देते ताकि ये ख़त्म हो जाए और गवाह ख़त्म हो जाएगा, वो भी केस ख़त्म हो जाएगा, उस कारण हमको मारा गया। और ये रड से मारा, रड ऐसा मारा कि हाथ को मैंने डैमेज करी थी, हमारा सर पे पहले चलाया, हम सर पे चलाया तो हम सर को बचाने के चक्कर में हाथ जो ऐसे किए ना तो इसमें रड इसमें लगा तो इसके कारण फ्रैक्चर हुआ। ये रड कौन चला रहा है? रड चलाया मोइन का बेटा मोनू नाम है, वो चलाया। क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार आलम। इफ्तिखार आलम बनभार। क्या मामला है, कैसे मारपीट हुई आपका? मामला था कि एक जमीन हम खरीदे थे हमारे बगल एक पड़ोसी से, उनका आज 50 साल से उनका शेयर हम हाँ, और उसका उसमें बाँस सब लगा हुआ है, उसमें मोइन कमाल साहब का कोई शेयर नहीं, उसका भी शेयर है पीछे था उसके बाप का हिस्सा, लेकिन जब जमने जमीन लिखाया उसे, उस ज़मीन को उन्होंने मोटेशन में रोक दिया कि ज़मीन क्यों लिखाए हो, ज़मीन हम लेंगे हमारे घर के आगे में, इस पर उसने विवाद शुरू कर दिया। उसी का एक शेयरदार ज़मीन उसको बचा हुआ था, उसने लिखने के लिए बोला हमसे जमीन लिखाइए, हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया रजिस्ट्री ऑफिस में, आज जांच के लिए आया हुआ था, जांच के लिए आया हुआ था तो उन्होंने गया तो मोइन आया उससे, अब क्या नाम था उसका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उसके पास आया पता नहीं कौन थे रजिस्ट्री ऑफिस के सरकारी स्टाफ,
उसको बोला कि आप कौन सी जाँच करने लगे, क्यों जाँच करने लगे, उससे तुतु मैम गाली गलौज भी हो गया। उसी पर जब बोला ये ज़मीन किसका है, कौन खरीदा है, कौन खरीदने वाला होता है, मतलब उल्टा सीधा बहुत एवर में आ गया। उसी पर हमने बोला कि जमीन जिसका जमीन अपना खरीद बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं। और उन्होंने भी बताया कि उसने मोइन को बोला कि आपको जो ऑब्जेक्शन करना है आप अपना नाम और नंबर हमको लिख के दीजिए, जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा, आप आकर के लिख करके रिपोर्ट दे दीजिए, रजिस्ट्री रुक जाएगी। उसी पर उसको भी गाली गलौज कर दिया और धक्का मुक्की होना शुरू हो गया। बोला भागो ऐसे माता चौथी सब जमीन हमारा है, हम लेकर कोई लेने वाला नहीं है। इसी पर बात बढ़ी, फ़ोन किया बेटा सब आया, मारपीट शुरू कर दिया, जिसमें कि हमारे एक भतीजा को मारा हाथ में लगा रड से, उसका हाथ का हड्डी दोनों हड्डी टूट चुका है, सर में रड में बचाने में मारा, सर में लगा, सर को छिपा, सर फट चुका है। हमारे एक साला वहाँ मौजूद थे, हमारे यहाँ फंक्शन था, उसके हाथ में लगा हाथ कट चुका है। उन लोगों का आरोप है कि आपके पूरे परिवार ने मिलकर उनके साथ मारपीट की, तो उसका भी तो पूरा परिवार मारपीट क्यों करेगा, तो क्या क्या बतावे, रोड़ेबाजी की, तो रोड़ाबाजी तो अभी पुलिस गई जाके देख के आया कि रोड़ाबाजी क्या है। उन लोगों का बन गया है कि जहाँ कुछ होगा तो उसका पूरा परिवार पत्थर बरसाना शुरू कर देता। इससे बाद से 6 महीना 8 महीना पूर्व भी लड़ाई हुई उसी जमीन के मैटर में, जो हमारे बेटे का 1 साल हो गया, पत्थर ईंटा से उन लोग मारा गया। आज वो केस आज भी लंबित है, केसर चाकू से मारने का, हमला करने का भी आरोप लगाया। वो तो लगाने के लिए बोल सकता है कि हमको गोली से मारने के लिए आया था, वो तो बोले वो स्वतंत्र है बोलने के लिए, वो किसी का आरोप है, उसने तो रड से मारा, प्रूफ है कि रड से मारा, हाथ टूट चुका है, हड्डी टूट चुका है, हॉस्पिटल अभी सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये मूल विवाद क्या है, मूल विवाद जमीन कुछ नहीं, उसका बाप का लेकर के था, उसका बाप ने हमारे यहाँ जमीन बेचा था, तो जब बाप उसका ही जमीन बेच दिया तो उसे जमीन में उन लोगों को तक लेकर हमारा बाप का जमीन क्यों खरीदा, उन्होंने बाप को कभी खाने नहीं दिया, वो अपने बाप को कभी खाने नहीं दिया, बाप उसका बेटी के यहाँ जाकर के ज़िंदगी बसर किया, उसकी मौत भी उसके अपने बेटी के यहाँ उसका जाकर के उसका मिट्टी हुआ। इसी सब बात से विवाद था उसको कि हमारा बाप का जमीन क्यों खरीदा। पूर्वाग्रह से आग्रह, पूर्वाग्रह से आग्रह चल रही है। क्या परिचय? हमारा नाम मोहम्मद अली हसन। घर? हमारा घर बनभाग, वार्ड नंबर 6। क्या है आपके साथ? हम अपना दुकान चला रहे थे, वहाँ शायद देखे चाचा को सब मार के सुता दिया था। कौन सब? वही अली सन डीलर, नूर आलम हाजी, उसके बाद इसराइल, गुड्डू, इफ्तखार। क्यों मारा था? वही हम पहले से नहीं देखे थे झगड़ा, देखे चाचा सुता हुआ है तो उसको बचाने गए तो हमको भी मारा। कौन लोग मारा? वही लोग मारा। किससे मारा? ईटा से मार रहा था, पत्थर से मार रहा था। यानी वो लोग का प्लानिंग था? हाँ, उस लोग का पहले से प्लानिंग था, कई बार मार चुका है, कई बार मारपीट कर चुका है। दमन टाइप का लोग। आपको आपको क्या लगता है कि इसमें जो आज मारपीट हुआ है वो जमीन जायदाद को लेकर लोग प्लानिंग बना के? प्लानिंग था, पहले से प्लानिंग करके, रात भर मीटिंग होता है। तो आपके चाचा की हत्या करना चाहते हैं? चाचा का हत्या करना चाहते हैं, खास करके नूर आलम हाजी और अली सनाजी दोनों मिला हुआ। क्यों हत्या क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ कम जमीन जगह में तेज है, इसीलिए जानकारी है। हाँ, इसको जानकारी है इसीलिए। अभी कहाँ है? अभी के नगर स्वास्थ्य है, बार बार दवाई इलाज के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया है सदर पूर्णिया। क्या नाम है? क्या नाम है? रजिया बेगम। घर का? घर बनवा। वार्ड नंबर 5।